जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबकी डिमांड थी कि एक टॉपिक डिस्कस किया जाए, क्रॉप्स। ये मुझे लगता है पिछले 15 दिनों से डिमांड थी इन लोगों के, ऑनलाइन वालों की। क्या वो तो उसके बाद पढ़ा दूंगा, ये तो 15-20 मिनट का ही। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा देंगे, यूएन में पढ़ा देंगे, यूएन तो 1 घंटे में पढ़ाते हैं, पढ़ा देंगे। हाँ, अरे टोटो तो जिंदगी भर रहेंगे टोटो, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं टोटो टाटा तो। इतने टोटो घूम रहे हैं, इनका क्या होगा। तो ये नया ट्रेंड पकड़ा है टीसीएस ने, जैसे रेलवे में लगभग शायद थर्ड वाले में एक क्रॉप प्रोडक्शन पूछा है कि बनाना के प्रोडक्शन में कौन है, लीची के प्रोडक्शन में, मतलब ऐसा जो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो सारे लिस्ट हमने यहाँ पे तैयार कर दिए, मुश्किल है याद करना, लेकिन हम कोशिश करेंगे, याद करेंगे। लेकिन हम वैसे ही कराते हैं कि जो कराएंगे उसमें इतना करा देंगे, उससे बाहर नहीं रहेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना करेंगे। किताब में भी यही किया। बजट पे क्लास, ठीक है, बजट पे भी आ जाएगा। सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, खुश रहिए। पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला अनाज है वो है राइस, है ना। मिनिमाइज कर, साइलेंट कर दो। राइस, चावल। और साथियों, इंडिया में भी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला प्रोडक्ट राइस ही है। पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा खाए जाने वाला प्रोडक्ट राइस ही है, और इंडिया में भी सबसे ज्यादा खाए जाने वाला प्रोडक्ट राइस ही है। विश्व में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन करने वाला देश चाइना है, और इंडिया में सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन करने वाला राज्य वेस्ट बंगाल है। पूरा बिहार, पूरा यूपी, पूरा बंगाल, पूरा साउथ इंडिया चावल ही खाता है। चावल के बिना रह नहीं सकते, ऐसे बना के। अच्छा ठीक, तो हम पहले अनाजों में लिखते हैं। ये 4-5 मेन मेन है, इनमें तो कम से कम दो दो स्टेट का नाम याद रखना है। तो पहला आ जाओ वीट, गेहूं। गेहूं में वर्ल्ड लेवल पे कौन सा देश है? तो पहले था अमेरिका, अभी हो गया है चाइना, गेहूं और चावल दोनों में। बहुत कम है हमसे, वो तो एक्सपोर्ट नहीं करता है, समुद्र में फेंक देता है। सस्ता हो जाएगा ना चीजें, तो किसानों को फायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत बार हुए, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचते हैं। स्टैटिक जीके की बुक कब मिलेगी? अरे रुक जाओ मेरे भाई, आज तो एक बुक खत्म की है। इकोनॉमिक्स उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना। इकोनॉमिक्स के हिसाब से यदि आप चीजों को रीयूज में लाएंगे तो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं। तो वीट में यूपी, यूपी के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा। चले, कौन? हाँ, डिस्काउंट पे नहीं देते। है भाई दूसरा, मतलब यूएसए के बाद तीसरा। बहुत सारे ब्रांड है, ऐसे एप्पल है इसका अच्छा एग्जाम्पल। कभी डिस्काउंट सुना एप्पल पे? एप्पल पे तो कोई डिस्काउंट कभी नहीं सुना होगा। ठीक, अगला लिखे राइस, चावल। कौन सा राज्य? वेस्ट बंगाल। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में कौन है? धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। तो जब भी धान का कटोरा, गेहूं कटोरा इस तरीके से पूछे तो इसका मतलब क्या है? पर हेक्टेयर। यदि इसका पूछे वीट का, तो आपने करना है पंजाब, बाउल ऑफ वीट।
हाँ मतलब उनका पर हेक्टेयर घनत्व तो ही हो, मतलब एक कटोरे में सबसे ज्यादा चावल किसके पास आएगा ये। और जब इसमें पर हेक्टेयर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ करने, शुरू के कितने सेट में एरर है? शुरू के 35 पेज तक थोड़ी सी दिक्कत है। एरर तो क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, बाकी चीजें तो ठीक ही है। वो बेसिकली रिव्यू हुआ था लेकिन वो फाइल गलत अटैच हो गई थी। चना ग्राम है ना, मध्य प्रदेश, हम चलो दाल पे भी आएगा तब बात करेंगे। बार्ले जौ, महाराष्ट्र, यूपी एंड राजस्थान, 75 दिन वाला रूटीन देने वाले थे। मेरे बच्चे रुक जाए 2 दिन, कर दूंगा मैं जब 75 दिन बचेगा तब। आप समझते नहीं हो, आप छुट्टी मनाते हैं, ये घर पे रहते हैं, नहीं मनाते, इनका कोई संडे नहीं होता बेरोजगार आदमी का। यहाँ आप ड्यूटी पे होते हैं, सुबह से रात तक आपकी ये रेल मनाई जाती है, तो इसलिए दिन आपको छुट्टी दिया जाता है। इनके वो तो ऐसा कुछ नहीं, इनके वो तो डेली संडे मंडे सेम ही है, उठना ही है, जगना ही है, फिर मोबाइल देखना है, फिर सो जाना है, किसी से मिलने भी जाते, बहुत मिलता। अगला लिखिए बाजरा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। आज YouTube पे 11 बजे क्लास होगा, आज से नहीं लेकिन अगले 1-2 दिन में पक्का हो जाएगा, मैं सब करूंगा। लिख दिए, याद रहेगा? इनमें तो कोशिश करना है कम से कम 2 याद रखने का, ये मेन मेन प्रोडक्ट है। बाद वाले में भले आपको एक ही याद रहे, शुगर केन गन्ना, ये हमेशा तुमको कंफ्यूज करेगा, कहीं महाराष्ट्र मिलेगा कहीं यूपी, ये तो ये घटता बढ़ता रहता है। इस समय यूपी हो गया, योगी जी के आने के बाद जब से चीनी मिलें खोली गई हैं तब से स्थिति थोड़ी सी ठीक हो गई है। पोस्ता अफीम है एक तरीके का नशीला पदार्थ, अफीम। हाँ वर्ड में अफगानिस्तान है इसके लिए, हाँ मेन अफगानिस्तान है। हाँ अब आ जाओ ऑयल सीड्स, वो तो अनाज थे, सेल्स थे, अब ये है ऑयल सीड, तिलहन। पहला जाओ कोकोनट, नारियल, टीसीएस ऐसे ही वाले पूछ रहे, ध्यान रखना। ऐसे केले के उत्पादन में पहले नंबर कौन है? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया इस बार, खतरनाक। कोकोनट, केरला एंड तमिलनाडु, अलसी, लिंस्ट, मध्य प्रदेश। मस्टर्ड ऑयल, सरसों, अनुसंधान केंद्र भी करवा दीजिए। हाँ सब करवाऊंगा, एक एक टॉपिक, स्टेट भी पढ़ाना है। हाँ चल, ग्राउंडनट, मूंगफली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, फिर गुजरात, पहले गुजरात था। अरे लिख निकम में पेपर में, उसमें ऑप्शन में था आंध्रा, फिर हाँ सरसों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई बार आता ही है, बल्कि ऑयल सीड्स इस तरीके से, तिलहन, शिमला,
शीशम यूपी, सूरजमुखी महाराष्ट्र, सनफ्लावर लिख दिए, फाइबर क्रॉप्स पहला आ जाओ, कॉटन, कपास, शीशम, वही शीशम का पेड़ होता नहीं है, हाँ टिम्बर, उसका भी शायद तेल निकालते हैं कुछ, मुझे आइडिया नहीं है। कॉटन, कपास, महाराष्ट्र और गुजरात, जूट, वेस्ट बंगाल, कपास में वैसे पूरे वर्ल्ड में चाइना, जूट में बांग्लादेश, न्यूक्लियर हाइड्रोक्लियर है किसके, हाँ मतलब रेसा निकाल लो, कुछ भी बना लो, गद्दे बना लो, चटाई बना लो, बोरा बना लो, सिल्क, कर्नाटक, केरल, स्ट्रेटेजी केवल हिंदी में आएगी क्या, नहीं अभी अभी नहीं आएगी, फ्यूचर में आएगी, अभी तो नहीं आएगी। हेम्प, भांग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, होली पर रहिएगा तो पिला देंगे, यही है फिर तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं पिलाएंगे तो नहीं लेकिन कुछ अच्छा प्रोग्राम कराएंगे, पीने के बाद कोई आउट ऑफ कंट्रोल होगा मैं तो कूदूंगा, डीजे मुझे लगता है, अच्छा उसमें नहीं होता है, अच्छा अच्छा ठीक है, ये नया नया एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, कोई नहीं बन जाएगा, रिस्क हो सकता है, हाँ जबरदस्ती नहीं करना, हाँ प्लांटेशन में आ जाओ, कॉफी, कॉफी में कर्नाटक, ये भी अपने आप में साल नया ही होगा फिर, आज तक मैंने सब करने नहीं दिया, ठीक, कॉफी, कर्नाटक, रबर, केरल, चाय, असम, आप क्या सोच रहे थे चाय में, बचपन से पढ़ रहे हो निकम में तुम, चाय असम, दार्जिलिंग में होता है ना, लेकिन दार्जिलिंग पूरा स्टेट नहीं है ना, पढ़ा दिया, हाँ फिर पढ़ा देंगे तो साइक्लिक चलता है, मेरी तरफ से तो खत्म हो गया है, तो छोटे छोटे बचा हुआ, 5200 बुक नहीं पाया फ्लिपकार्ट से, आ तो गया फ्लिपकार्ट पे, अब हिंदी वाले स्ट्रेटेजी के कहाँ से पढ़े, टेलीग्राम पे डाल रखा है, नहीं ऐसा कहा गया कि ये आपका नशीला पदार्थ है जिससे आपके स्वास्थ्य को हानि है, मत खाएं, ये कहा गया, हाँ हम लीगली इसको उगा सकते हैं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स कहता है कि हर वो काम करे जिससे प्रॉफिट होता हो, फिर ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया एडम स्मिथ का, कि ऐसा मत करिए जिससे मानवता को, समाज को नुकसान हो, तो दोनों को बैलेंस करने का प्रयास किया जाता है, अमर सेन, फोक सॉन्ग वाला करवा दीजिए, तंबाकू वर्ड में शायद चाइना है, बाउंस वाली बुक बाइलिंगुअल है, लिख दिए, चलो पेपर, काली मिर्च,
ध्यान से देख रहे हो, हालांकि मैं उल्टा बना रहा था, मतलब स्टेट वाइज, मैं कहा फिर इसमें बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। हाँ, काली मिर्च के लिए जमोरीन है। अच्छा मान लो मैं ऐसे करवाऊँ वीक में एक दिन, जैसे पूरा 600 या 800 क्वेश्चन क्वेश्चन ही डिस्कस करवा दूँ, मतलब तुम लोग ना बैठो, सिर्फ मैं यूं ही पीपीटी वीडियो बना दूँ छोटा बैठ। हाँ वो सब्जेक्ट वाइज ही कह रहा हूँ, मतलब 800 का हिस्ट्री का जितना आया हुआ है, ज्योग्राफी का जितना आया हुआ है। उससे क्या मतलब जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं, अपने से पढ़ते हैं तो धीमा पड़ जाते हैं। हाँ 1 घंटे में यदि 100 हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे में 100 नहीं होता है। ठीक है फिर, चलो देख लेंगे दोनों ऑप्शन देखें। सैटरडे सैटरडे तो मैराथन तो करेंगे। केरल काजू में, केरल अदरक में, केरल हल्दी में, आंध्र प्रदेश टर्मरिक। ज्योग्राफी करवा दीजिए, ठीक कह रहे हो, ज्योग्राफी बचा हुआ है। एक बार ज्योग्राफी का मैराथन दो पार्ट में लेकर आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का और फिर इंडियन ज्योग्राफी का। परसों स्टडे कर देते हो, MCQ कराएंगे, उसके साथ जहाँ जरूरत पड़ेगा थ्योरी करा देंगे। सबसे ज्यादा अनाज में पहला राज्य यूपी, फूड ग्रेन्स में, लिखते जाइए फैक्ट। एयर इंडिया का लोगो क्या है, NTPC में पूछा था, पढ़ाएंगे ऐसा भी आएंगे। हिस्ट्री का भी करवाना सर, काजू में जम्मू कश्मीर नहीं है क्या? नहीं, जम्मू कश्मीर तो काजू में कभी नहीं था, केसर में है। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग ये कर ही चुके वेस्ट बंगाल है, अब जो कर चुके वो नहीं करिएगा। वीट प्रोडक्शन में यूपी, मैजे में, मेज क्या होता है बच्चों, मक्का, रेशेदार फलों में है ना, राजस्थान कोरस, वही तिलहन टाइप का। हाँ मतलब रेशेदार अनाज कह लें, हाँ मोटे अनाज कह लें, ज्यादा अच्छा वर्ड मोटे अनाज होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये हटा देना। मस्टर्ड प्रोडक्शन में राजस्थान पढ़ी चुके, सोयाबीन आ ही चुका था पीछे शायद, नहीं आया था तो लिख लो सोयाबीन, MP। MP शुगर केन में यूपी, शुगर में महाराष्ट्र। पुराना वाला सारा वही था इसीलिए मैंने हटा दिया, ये गलत था, वो हम कर चुके हैं, सोयाबीन हम कर ही चुके हैं, ये हम कर ही चुके हैं। शुगर केन में यूपी और शुगर में महाराष्ट्र। सैटरडे ज्योग्राफी का पक्का डन। नहीं महाराष्ट्र तो था, महाराष्ट्र ही रखना, महाराष्ट्र ही। जूट में वेस्ट बंगाल, हाँ ये लिखो,
हॉर्टिकल्चर, बागवानी में। वेस्ट बंगाल। वेजिटेबल में यूपी आता रहता है ना। स्टैटिक वाली बुक आएगी भाई 15 मार्च तक। सारे की हिंदी बता दीजिए। तो हमने कहा बागवानी, सब्जियों में है? नहीं, बागवानी में फ्रूट्स ही आएगा ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, वो बागवानी है और ये फ्रूट है फलों में। आंध्रा प्रदेश, ये सब मत लिखना, कट फ्लावर हो गए। मसालों में आंध्रा प्रदेश, टोटल में आ जाएगा ये, इंडिविजुअल में केरल चलेगा। प्लांटेशन क्रॉप चाहो तो लिख लो, ये क्वेश्चन देखो कई बार आ लिया। तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। दस 12 दिनों का बुक नहीं आए, अगले एक दो दिन में आ जाएगा। हमने भेजा ही 28 तारीख को है। इम्पोर्टेंट डेज, टेम्पल मोनूमेंट भी करा दीजिए। डेज नहीं कराऊंगा, टेम्पल मोनूमेंट करा दूंगा। रबी, जायद, खरीफ, ये प्लांटेशन जो काट करके लगा रहे ना पड़ोस, उस तरीके से। अब गुलाब का फूल देखा है कैसे लगता है, उस तरीके से। शुगर केन देखा है कैसे लगता है, उस तरीके से कलम करके। यस, ये गवावा लिखना है ना, अमरूद में। मध्य प्रदेश, आइडिया नहीं है ऐसा। अगला लिखो अंगूर, महाराष्ट्र। एप्पल, एशियन नट क्या होता है? सुपारी है, सुपारी जो भी बोलते हो, पान में नहीं मसलते हैं, सुपारी है। कोकोआ बेसिकली है कॉफी, लेकिन वो कोकोआ पूछा जाए तो अलग केरल, और कॉफी पूछा जाए तो कर्नाटक। जीएस हिंदी में अलावा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल है, बाउंस हो तो। कोकोवा, कोकोनट में तमिलनाडु, कहाँ पे पीछे, तो वो गलत है, ये ठीक करना। जहां पे यदि पीछे केरल है तो इसको भी तमिलनाडु करना। हाँ, तो उसको ठीक करना, ये हमने बाद में चेक किया है, उसको काट दो। हाँ, काजू वाले महाराष्ट्र करना। करेंट का पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं, करेंट का पीडीएफ कल से डाल देंगे, एक दो दिन बिजी थे, यहां भी नहीं दे पाए। हाँ, ये वाला जो लेटेस्ट है, ये वाला है तमिलनाडु, और इस तरीके से रसीले फलों में मौसमी, लेमन, ये सब कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। मैथ वाली बुक 10 तारीख तक आ जाएगी आपके पास मार्केट में। क्लियर है?
आप लोग को हमने स्टैटिक जीके का वो दे रखा है लिस्ट, तो आपको बच्चों एक एक करके उस पर निशान लगाना है कि ये मुझे पढ़वाना है सर से, ये मैंने पढ़ लिया, ये मुझे पढ़वाना है, ये पढ़ लिया, तब जाके बात बनेगी। स्टैटिक खेल लेंगे तो AGS में नंबर आएगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक उसे कुछ आया वो नहीं रहा है, एक दो आ रहा है वो सबको ही आ रहा है, यानी तो नहीं आ रहा ऐसा आ रहा है। तो बुद्धिमानी क्या है कि मैथ अपना 42-45, इंग्लिश 40-42, रीजनिंग 45-47, GS 30-35 बस, और 30-35 नंबर उधर नॉर्मलाइजेशन 190-92, लड़ाई खत्म। हाँ स्टैटिक जीके पे मेन फोकस करना। हाँ प्री ही डिसाइड कर देगा कि आप मेंस शिद्दत से देंगे नहीं देंगे। लार्जेस्ट ऑरेंज संतरा है बच्चे, हाँ इसी बेस पे तो मैंने चेक किया था, इसमें कुछ और दिया हुआ था तो मैं कह रहा ऐसे तो नहीं हो सकता। सर क्रॉप भी बता दो कौन से सीजन में कौन सा होता है, सॉइल वाले दिन बता दूंगा। चेस्यूमिन क्या काजू, स्टडी जीके का लिस्ट टेलीग्राम पे डाल दो, अभी तो डाला है 3-4 दिन पहले, देख लेना। लार्जेस्ट लीची बिहार, मैंगो उत्तर प्रदेश, पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, हो सकता है पाइनएप्पल में बुकों में आ जाए आपको असम, लेकिन वो गलत है। अब ब्रिंजल क्या बैगन ना, तो लिख लेना उड़ीसा। हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसीएस इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल, रीजनिंग का कुछ बताएं कैसे करें। टीसीएस वाले रीजनिंग सारी कर लो, अपने आप बात बन जाएगी। अभी एक हो रहा जेल नहीं ये क्या फॉरेस्ट गार्ड का, बेहतरीन क्वेश्चन पेपर, हिलेगा नहीं आप लोगों से ऐसा ऐसा मैथ। मैथ बढ़िया क्वेश्चन, नए नए तरीके है। हाँ तो आप लोग को मेल दे, जैसे आंसर किया गया मैं करवा दूंगा। हाँ तो ये आप लोग जब मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो आप आते हैं, इतना टफ आता है क्या, पागल बना रखा है, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहते हैं, हमारा ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। आज भी एक निकम आया सर ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं फिर तो सर मैं चला जा, हम तो ये ग्रोथ के लिए है, पास कराने के लिए, ग्रोथ के लिए ना। मैं आपने छोड़ दिया, मैंने 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया। हाँ तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ये हो गया। अब अपने पास एक मौका है कि अभी छोड़ दें, और दूसरा मौका है कि UNO करा दें, UNO करवा दे दें। हाँ? तुम तो पढ़ चुके हो, ये नए वैसे नहीं पढ़े हैं। हाँ? किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे ये भी है, और कौन सा संस्था क्या करती है, भारत का क्या इतिहास है, इस तरीके से पढ़ाया तो था शायद आपको ये टॉपिक। हाँ पढ़ा चुके हैं ना, तो जिनका पढ़ा चुका हूँ जाओ अपने बैठ के पढ़ो, कोई फायदा नहीं है उसी चीज को बार बार पढ़ने का। आपकी वजह से मेरा NTPC एग्जाम को GK रजनी से अच्छी हुई, डैम भी करवा दो, GK वाले बुक हिंदी में मौजूद, UNO हो गया। चल UNO बच्चे जिसका हो गया अपना बैठ के पढ़ो, 11 बजे वाली क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी यूट्यूब पे। UNO विश्व की
सबसे बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूएनओ का जो कॉन्सेप्ट है वो समझौता कराने पे विश्वास रखता है कि दो देशों के बीच किसी प्रकार का मतभेद हो जाए तो वो लोग लड़े नहीं, आइए शांतिपूर्ण तरीके से आपके प्रॉब्लम को दूर कर दें। आप मेरी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे इसमें कोई जरूरी नहीं है, यूएनओ ये है, मतलब यूएनओ का कोई डिसीजन किसी भी देश पर बाध्यकारी नहीं है। मानते हैं तब ठीक है, नहीं मानते हैं तब ठीक है, हम मीडिएटर हैं बस। मतलब जैसे WTO है, थोपता है कि मेरे फैसले को मानना पड़ेगा यदि आप मेंबर हो तो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम जब फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़े तो हमने कोशिश किया कि हम आगे चल करके एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि फिर आगे कभी विश्व युद्ध ना हो, और इस बात को लेकर के हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया दैट वाज लीग ऑफ नेशन 1920 में आकर के। तो एक पॉइंट लिख लोगे, वर्ड यूनो लिखने के नीचे हेडिंग डालो लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 जनवरी 1920, 10 जनवरी 1920 को स्थापित की गई बाय द सजेशन ऑफ बुड्रो विल्सन, बुड्रो विल्सन के सुझाव पर, बाय द सजेशन ऑफ बुड्रो विल्सन, बुड्रो विल्सन के सुझाव पर 1920, 1920। बुड्रो विल्सन को बाद में इसके लिए नोबेल भी मिला है। विद द पेरिस कॉन्फ्रेंस या बाय पेरिस कॉन्फ्रेंस, पेरिस समझौते के द्वारा या पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, माउंटेन पीक नहीं हुआ, इंडियन ज्योग्राफी कराने वाले हैं जल्दी तो उस पर करेंगे, टुमारो क्लास होगा, डेली क्लास होगा, टुमारो भी होगा। पेरिस शांति समझौते के द्वारा लीग ऑफ नेशन को हम चाइल्ड ऑफ वार भी कहते हैं, युद्ध का बच्चा। मतलब क्या इसकी वजह से युद्ध हुआ, तो जवाब है नहीं, युद्ध की वजह से इसका निर्माण हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वह कैसा करते हैं, एक संस्था बना लेते हैं चाइल्ड ऑफ वार। लीग ऑफ नेशन में बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, लिखना मत, हेल्थ कमिटी, मैंडेट्स कमीशन, रिफ्यूजी कमेटी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन रियल में कुछ कर नहीं पाया। सेकेंड वर्ल्ड वार ये नहीं रोक पाया, तो बाद में लगा कि यार ये तो कोई फायदा वायदा हुआ नहीं। तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो हुआ कि यार इस बार हम एक मजबूत संस्था बनाएंगे, और एक व्यक्ति हैं रूजवेल्ट, ये पहली बार यूएन वर्ल्ड डिजाइन करते हैं। तो लिख लेंगे यूएन वर्ल्ड, यूएन शब्द गिवन बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। और जो यूएन बनाया गया वो डैम्पटन उस कॉन्फ्रेंस के, जैसे वो पेरिस कॉन्फ्रेंस से बनाया गया और ये ओमर्टन उस कॉन्फ्रेंस से बनाया गया। तो लिखेंगे यूएन वाज डिजाइन बाय डैम्पटन ओक्स कॉन्फ्रेंस। डैम्पटन ओक्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बनाया गया। ऑन 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945,
24 अक्टूबर 1945। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं 24 अक्टूबर को यूएन डे है ना। यूएन डे एंड पोलियो डे ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। पोलियो डे भी मना रहे हैं। जब यूएन एस्टेब्लिश हुआ था तो 51 मेंबर थे, लिख लेंगे, इनिशियल मेंबर वेर 51, प्रारंभिक सदस्य 51 एंड प्रेजेंट मेंबर इज 193। भारत शुरू से फाउंडिंग मेंबर है ब्रिटेन के नेतृत्व में। ब्रिटेन इसको एज अ देश ही रिप्रेजेंट करता था 1858 के बाद। यूएन प्रीएम्बल डिजाइन बाय फील्ड मार्शल समर्स, यस मर्स, यूएन का प्रस्तावना फील्ड मार्शल स्मर्स ने निर्मित किया था। और जब ये प्रपोजल चला कि पूरे विश्व को बचाने के लिए एक हम संस्था बनाने जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, तो एक व्यक्ति हुए जॉन डी रॉकफेलर, इन्होंने अपनी भूमि दे दी कि जी यदि इतना अच्छा काम करें तो मैं अपनी भूमि आप लोगों को दे देता हूँ। तो लिख लेंगे मैनहट्टन लैंड, या मैनहट्टन लैंड मत कहो, लैंड फॉर यूएन वॉज गिवन बाई जॉन डी रॉकफेलर। यूएन के लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। जॉन डी रॉकफेलर ने दान की थी। एंड दिस हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर। या सेक्रेटरिएट इज सिचुएटेड एट मैनहट्टन आइलैंड, सचिवालय मैनहट्टन आइलैंड पर स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर। वही न्यूयॉर्क, आगे भी हम सिखाएंगे कि बेसिकली यूएन नाम की कोई संस्था है ही नहीं। पांच संस्थाओं को कलेक्टिवली यूएन कहते हैं और उनका जो मेन हेड ऑफिस है उसको हम कहते हैं सेक्रेटरिएट, जहां सचिव बैठता है, चीफ सेक्रेटरी। तो वो यहां पर है न्यूयॉर्क में। अब इसमें कुछ 10 पॉइंट है, इसमें पढ़ोगे ध्यान से यदि देखोगे दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों को भी, तो इसमें यही सब अच्छी अच्छी बातें हैं कि किसी का जो रिस्पेक्ट है वो कम नहीं करना है एक देश के रूप में दूसरे देश का, म्यूचुअली बेनिफिट करने के लिए काम करना है, भाईचारे में विश्वास रखना है, जरूरत हो तो सभी देशों को मदद करना है। एक अच्छी अच्छी बातें, कोई विवाद हो तो शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे, सबकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करेंगे, मतलब एक बेहतरीन बातें जो हो सकती हैं। हेडिंग डालो फ्लैग, फ्लैग वाज एक्सेप्टेड ऑन दिसंबर 7, 1946। झंडे को सात दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया।
और ये व्हाइट बैकग्राउंड पे है कुछ इस तरीके से, सॉरी ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट है, ओलिव लिप्स हैं, जैतून की पत्तियां हैं ये, और ये वर्ल्ड का मैप है। हाँ, ओलिव शांति का, जैतून शांति का प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड, टू ओलिव लिप्स, वर्ल्ड मैप, व्हाइट एम्बलम ऑफ यूएन, ये है पूरा इसका फ्लैग। क्लियर है? अब हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन, तो देखो वैसे हेडक्वार्टर तो इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन आइलैंड, लेकिन कई बार अभी कल परसों टेस्ट में भी हमने डाला था कि रीजनल हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, तो तीन रीजनल हेडक्वार्टर्स, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया एंड नैरोबी केन्या। देखें हेड ऑफिस हेडक्वार्टर्स यूएन का न्यूयॉर्क सिटी, मैनहट्टन आइलैंड, रीजनल हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया एंड नैरोबी केन्या। मेन जो आर्किटेक्चर है जिसने यूएन को डिजाइन किया था, वैलेस हैरिसन, यूएन आर्किटेक्चर, यूएन बिल्डिंग वास्तुकार। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे, लेकिन आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जी सेक्टर 8 का, हमने कहा था कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, तो हमने कहा कि जी ये कॉन्फ्रेंस है, जैसे उसका नाम था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस ये, हाँ, और इसका था 44 में ये कॉन्फ्रेंस है, उस जगह का नाम है, ये व्यक्ति का नाम है, हाँ वास्तुकार है। अब ये हेडिंग डालो, इसको कल करेंगे क्योंकि इसमें लगा लगभग 1 घंटे। तो कल हम क्या करने वाले हैं, यूएन करने वाले हैं, यूएन से रिलेटेड बाकी ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, और यूएन पे क्विज भी करने वाले हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ के लिए भी और वैसे भी। और फिर परसों सैटरडे हो जाएगा शायद, तो परसों ज्योग्राफी का मैराथन करेंगे 9 बजे से लेकर रात को 2-3 बजे तक, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स और ये सब मिलेगा, हैं, टकाटक भी रहेगा साथ में। तो ऑनलाइन वालों कल मिलते हैं फिर, ये टॉपिक हमने वैसे भी आपको पढ़ा ही दिया था, कल इसको खत्म करवाते हैं, चले ये तो लिखवाऊंगा कल, इसमें से कुछ खत्म भी होगा, जैसे ये खत्म हो गया, हाँ तो ये 1994 में तो 6 था, अब 5 ही है। ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था कि कोई देश जो पहले गुलाम था अब वो आजाद हो गया, तो उसको ये फंड किया करते थे,
ट्रस्टीशिप का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मुझे दो जी, हम कमा रहे हैं आप रखो, और हम कोई गरीब बच्चा भेजेंगे तो उसको पढ़ा देना, तो और मैं क्या कहलाऊंगा, ट्रस्टी कहलाऊंगा, मैं उस पैसे का मालिक नहीं हूँ, मैं बस सिर्फ केयर टेकर हूँ, और हम ये मिलजुल के हमने जो डिसाइड किया वहाँ पे पैसा खर्च, नहीं सुनते हो, कॉलेज का ट्रस्टी हैं ये, तो उनके गार्जियन या किसी ने पैसा दिया है कॉलेज के प्रति कि हम अब हम खर्चा उठाएंगे, यदि कॉलेज घाटे में जाएगा तो प्रॉफिट में आएगा तो बांटेंगे नहीं, इकट्ठा करेंगे, घाटे में आएगा तो मैं दूंगा ये। चले अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बैठ के पढ़िए, मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।